दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। हमारे एक यूजर ने पूछा कि आपने अभी तक गिफ्ट पे कुछ नहीं बताया, तो आज मेरे हाथ में लैपटॉप भी इसीलिए क्योंकि गिफ्ट का थोड़ा सेक्शन लंबा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उसको इसीलिए मैंने हाथ में भी रखने की कोशिश की आज इसको। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में गिफ्ट पे टैक्स कैसे लगता है, कौन कौन से आइटम जो हैं जो अगर आप गिफ्ट देते हैं तो कब वो टैक्सेबल नहीं है और कब वो टैक्सेबल होगा। हम दोनों बातें करने वाले हैं। पहली चीज कि गिफ्ट होता क्या है, सेक्शन 56(2) में ये कवर किया गया है। ये आपके लिए टेक्निकल नहीं है, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया। जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट देता है जो कि विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है कि मैंने आपको कुछ दिया और उसके बदले में मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, इसको गिफ्ट बोल सकते हैं। वो कैश, काइंड, मूवेबल और नॉन मूवेबल कुछ भी हो सकता है। यानी कि जब मैं किसी को कोई चीज़ कैश में या कोई काइंड या कोई मूवेबल और कोई नॉन मूवेबल कोई आइटम देता हूँ तो वो गिफ्ट के कैटेगरी में अगर मैं कंसिडरेशन नहीं लेता हूं। लेकिन इसको दो पार्ट में डिफाइड किया गया। पहला पार्ट यह है कि कौन कौन से ऐसे गिफ्ट हैं जो टैक्सेबल हैं और कौन कौन से ऐसे गिफ्ट हैं जो नॉन टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल तो हमने लिख दिया, पहले हम नॉन टैक्सेबल की बात कर लें। नॉन टैक्सेबल कहता है कि अगर आपको 50,000 के नीचे कुछ गिफ्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है। यानी कि 50,000 के नीचे अगर आपके पास कुछ पैसे मिलते हैं कहीं से, किसी रिलेटिव या किसी भी तरह के कहीं से आपको आता है, तो उस पर टैक्स नहीं देना है। साथ के साथ कुछ और एग्जम्पशन है, कहता है कि अगर आपने कोई अमाउंट गिफ्ट मिला रिलेटिव से वो भी एग्जम्प्टेड है, इसमें कोई लिमिट मार्कअप नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा जब इंडिविजुअल की जब शादी होती है, जैसे कि आपकी या मेरी शादी होती है, उस समय जो गिफ्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल नहीं होता है, उस समय वो पूरा का पूरा फ्री होता है। उसके अलावा अगर इनहेरेंट कोई चीज़ मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। अगर इसके अलावा किसी के डेथ की वजह से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगता है। उसके अलावा अगर 1020 एक सेक्शन है, अगर उसके थ्रू आपको कोई बेनिफिट मिलता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। उसके अलावा कहता है गिफ्ट रिसीव बाई एनी फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेफर, मतलब कि अगर आपको सेक्शन 10 में अगर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज या किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिलता है वो भी टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपको मैं बात करूं कि परिवार में कोई रिलेशन के हिसाब से कोई पैसा मिलता है तब भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ब्लड रिलेशन होना चाहिए, जैसे मेरे फादर से, मेरी मदर से, इस तरह के जो रिलेशन है उस रिलेशन से भी अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो रिलेटिव उसी में काउंट होता है। रिलेटिव की भी डिफिनेशन दी गई है, ऐसा नहीं कि रिलेटिव में आप किसी को काउंट कर सकते हैं, वो मतलब आप मदर फादर और ब्रदर सिस्टर इसको काउंट कर सकते हैं और उसी के दायरे में आप अपने ग्रैंडफादर तक जा सकते हैं, उनसे अगर आपको कोई चीज़ मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से आइटम टैक्सेबल है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहता है कि अगर आपको 50,000 रुपए से कुछ भी ज्यादा मिलता है तो टैक्सेबल है। एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर मैं 10,000 रुपए करके 10 बार ले लूं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति ने अगर आपको 10,000 करके 10 बार दिया वो 1,00,000 हो गया, वो लिमिट से ऊपर है। एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी पहला कंडीशन कहता है कि 50,000 से ज्यादा नहीं होना, अदरवाइज वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगा और जो भी आपका टैक्स स्लैब रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लग जाएगा। दूसरी चीज कह रहा है गिफ्ट टैक्स ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया विदाउट कंसिडरेशन। अगर आपको किसी से कोई गिफ्ट मिलता है जो कि विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब है कि किसी ने मुझे कोई गिफ्ट दे दिया, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, उसमें क्या होगा कि उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स का उसमें अलग अलग थ्योरम है, अलग अलग उसके निकालने के तरीके हो, अभी हम इस चर्चा में लेके नहीं आ रहे कि वैल्यूएशन कैसे होता है, अभी हम ले रहे हैं कि इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर भी लग जाएगा। दूसरा कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कंसीडरेशन विथ लेस देन द स्टैम्प वैल्यू। कहने का मतलब कि एक कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जिसकी स्टैम्प वैल्यू 100 रुपये थी, वो आपको 10 रुपये में मिल गई, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा जो गैप होगा। उसके भी निकालने के अलग तरीके, यानी कि 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी थी मैंने आपको 10,00,000 में दे दी, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो उसकी प्राइसिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से नीचे आ रही तब चाहिए। इसके अलावा कह रहा है
गिफ्ट टैक्स ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया विदाउट कंसीडरेशन, सेम चीज की अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थी जैसे कि गोल्ड, ज्वेलरी, कोई चीज है जो किसी ने किसी को गिफ्ट किया और उसमें कोई कंसीडरेशन नहीं लिया, अगर कंसीडरेशन नहीं ले रहा है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा अगेन कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी लेस देन दी फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थी और उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू था उससे लेस में दे दिया गया। जैसे कोई कार है, कार की वैल्यू मान के चलिए कोई BMW थी वो 50 लाख की थी और नई BMW थी और वो आपको 10 लाख रुपए में दे दी जाए, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू हो 10 लाख तो होगा नहीं उसका, तो जो भी गैप होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी ये 5 एग्जेम्पशंस हैं, अगर इसमें अगर इस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगेगा जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। ऐसा नहीं कि उस पर कोई भी रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप पे 20% का रेट अप्लीकेबल है तो 20% के रेट से लगेगा, 30% का था तो 30% के राय। आज हमने जो गिफ्ट का था उस पर हमने छोटी सी बात करने की कोशिश की। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें ड्रॉप बॉक्स में नीचे कमेंट करके आप वो पूछ सकते हैं, या किसी भी तरह का आपने ट्रांजेक्शन इस तरह का किया है और कोई कंफ्यूजन आपको हो रही है आप वो भी ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट टीम होगी आपको एक फेयर आइडिया भी देगी और एक लीगल ओपिनियन देने की भी कोशिश करेगी। हम ये नहीं कह सकते 100% लीगल हो, बट एक आपको फेयर आइडिया देने की कोशिश करेगी कि उस केस में क्या होगा। तो आज का हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट था गिफ्ट पे था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम फायर टीवी वेबसाइट और ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जाके हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिमांशु कुमार, अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आके कमेंट भी करें। थैंक यू।